नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राजाराम यादव और आज हम इस वीडियो में अरिट लेवल सेकंड साइंस मैथ में साइंस के 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सभी प्रश्न हैं वो लगभग आरवीएसी की बुक से कवर किए गए हैं। देखते हैं पहला हमारा प्रश्न, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। जब भी आपको अवतल लेंस के बारे में पूछा जाए, तो आपको हमेशा आभासी और सीधा बताना है, ये ध्यान रखोगे आप। अवतल दर्पण में दोनों स्थितियां बन जाती है, कौन कौन सी? आभासी और सीधा भी बन सकता है और वास्तविक और उल्टा भी बन सकता है, परंतु अवतल लेंस में आपको पूछा जाए तो आभासी और सीधा ही बताना है हमेशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के मध्य वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण की बात की जा रही है, याद रखोगे अवतल दर्पण में दो स्थितियां बन सकती है, आभासी और सीधा का भी बन सकता है और वास्तविक और उल्टा का भी बन सकता है कंडीशन। तो अवतल दर्पण के अंदर तो 5 स्थितियां होती है, उनके अंदर वास्तविक और उल्टा बनता है, परंतु जब वस्तु यानी कि बिंब जो हमारा है वो फोकस व ध्रुव के मध्य रखा हो तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। ध्यान रखोगे हमारा उत्तर हो जाएगा प्रथम, आभासी और सीधा। अगला जो हमारा प्रश्न है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखोगे आप, जो ये पीले लैंप होते हैं वो सोडियम लैंप होते हैं, और इनके अंदर दूसरी चीज़ याद रखनी, इनके अंदर नियोन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, लिस्ट भरती हेतु आदर्श वोल्ट मीटर हेतु प्रतिरोध होना चाहिए। तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसके लिए जो प्रतिरोध होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर एमीटर पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता? जीरो होता। एमीटर का जीरो बताना है और वोल्ट मीटर का कितना बताना है आपको? अनंत बताना है। तो हमारा डी राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर के बारे में पूछ रहा है। एक ऐसा द्रव जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं शुद्ध सरसों का तेल, द्रव नाइट्रोजन, शुद्ध जल और पारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पारा होगा। जो पारा होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। किसी विद्युत अपगत्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? ये जो डिपेंड करता है, ध्यान रखोगे आप, जो विलय की प्रकृति है, विलय की प्रकृति है, तन्नुता बढ़ने पर असंलग्नता है का स्तर है उसमें वृद्धि होती है, आयनों की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम तन्नुता दिखाई दे रहा है तो इसका राइट आंसर तन्नुता हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आसुत जल में, नदी के जल में। जो समुद्र का जल होता है वहाँ पर नमक काफ़ी मात्रा में होता है और नमक के कारण लोहे पर जो जंग है वो शीघ्र लग जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समुद्र का जल होता है वहाँ पर जंग जल्दी लग जाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? मोस्ट प्रश्न, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन इसको कहा जाता है, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जैसे ये लोहे का कोई पाइप है, उस पाइप के ऊपर ये जो लोहे का पाइप है इसके ऊपर जंग लग जाता है जल्दी, इससे बचाने के जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या कर देते हैं? इसके ऊपर रासायनिक विधि के द्वारा जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसको हम बोलते हैं यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? इसका तो राइट आंसर होगा वो शीशा।
जब शीशा अधिक देर तक काफी समय तक शरीर में रहता है तो उसके कारण जहर फैल जाता है शरीर के अंदर और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्थायी अवस्था में किसी छड़ का ताप, कोई छड़ है वो क्या है स्थायी, समय के साथ है वो नहीं बदलता है लेकिन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखोगे स्थायी अवस्था में किसी छड़ का ताप समय के साथ नहीं बदलता है लेकिन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ध्यान रखोगे विटामिन जो डी होता है ये तीव्रता से बनता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट और बातें याद रखोगे, जो हमारे शरीर में डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है और अर्गास्ट्रॉल भी याद रखोगे। इसके बारे में जब भी पूछा जाए भाई कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है, कौन सा पदार्थ, अर्गास्ट्रॉल ही आपको याद रखना है, ये याद रखोगे आप। अगला हमारा प्रश्न, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया। तो विटामिन B12 है, दो प्रश्न कवर हो रहे हैं यहाँ पर। विटामिन जो B12 है उसके अंदर एक तो केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट धातु होती है, याद रखोगे कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट। जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है और इसके अलावा आपके जो हरित लवक होता है जिसको हम जिसके अंदर पर्ण हरित होता है उस पर क्लोरोफिल के अंदर केंद्रीय धातु के रूप में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, ये ध्यान रखोगे। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया, कौन सा परीक्षण है उसके द्वारा सिद्ध किया गया, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न, औषधियों और उनके कार्य का ज्ञान क्या कहलाता है। तो औषधि विज्ञान कहा जाता है इसको, सीधा प्रश्न था। अगला प्रश्न हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पहले बता चुका हूँ, संपूर्ण धारा का प्रवाह हो सके, और जो वोल्टमीटर होता है उसका अनंत होता है उसमें बिल्कुल भी धारा नहीं प्रवाहित हो, इसलिए, और इसके अंदर संपूर्ण धारा का प्रवाह हो सके इसके लिए जो आर का मान होता है प्रतिरोध का वो कितना होता है, जीरो होता है। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता। ये ध्यान रखोगे आप, विटामिन सी होती है, ये जल में घुलनशील होती है और किसी भी मांसाहारी भोजन है उसके अंदर नहीं पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, आंवला है, नींबू वंश के फल है, टमाटर, सब्जियां, अन्य फल जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। अगला प्रश्न, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, स्थिरता किसके ऊपर डिपेंड करती है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, पेड़ पौधे और जो कंज्यूमर है उनके ऊपर डिपेंड करती है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि वहां पर सीमित जल की मात्रा है और अग्नि का होना। पारिस्थितिक अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्यों, क्या कारण है, वहां पर एक तो सीमित जल की मात्रा और अग्नि जल्दी लग जाती है, आग जल्दी लग जाती है इसलिए। अगला प्रश्न, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है, वैश्विक विविधता नहीं, वास स्थानीय विविधता के भीतर, वास स्थानीय विविधता के बीच नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, जाति स्तर की जैव विविधता होती है, जीन स्तर की जैव विविधता होती है और एक पारिस्थितिकी तंत्र स्तर की जैव विविधता होती है। अगला प्रश्न, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, रट लेना इस प्रश्न को, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, जैव मात्रा बायोमास, तालाब, तालाब के अंदर क्या होता है, सबसे पहले छोटी छोटी मछलियां होती है, फिर उनसे बड़ी मछलियां होती है, फिर उनसे बड़ी मछलियां होती है, फिर वेल जैसी मछलियां आती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो जैव मात्रा का पिरामिड है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ जैव मास कम होता है और ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जो वायु मास है वो बढ़ता चला जाता है, इसलिए उल्टा होता है, याद रखना। जैव मात्रा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र, किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तालाब के अंदर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो जो शीशा होता है ये पेट्रोल के अंदर वो वायु को प्रदूषित करता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं इससे। जैव मंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो संभवी स्रोत, अजैविक स्रोत, नवीकरणीय स्रोत। जैविक स्रोत है पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं जैव मंडल में, तो उनमें जीवन होता है। सिंपल प्रश्न है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन कौन से होते हैं? तो गैर हरित का मतलब उनमें हरित लवक नहीं है, और विषम पोषित का मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। तो मॉसेज, फर्न, एल्गी, ये सारे पेड़ पौधों के अंदर आ जाते हैं। फंजाई जो है उसके अंदर कोई हरित लवक नहीं पाया जाता है और विषम पोषी होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। अगला प्रश्न, लिटमस किस में से निकाला जाता है? जो लाइकेन है उससे निकाला जाता है, थेलोपाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, और इसका उपयोग सूचक की तरह करते हैं, इंडिकेटर की तरह। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? हरित ग्रंथि जो प्रॉन होती है उसका उत्सर्जन अवयव है। ये ज्ञान रखोगे मोस्ट प्रश्न। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी जो होती है उसकी छाल है वो मसाले के रूप में काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित या मृत वनस्पति दोनों का। ध्यान रखोगे आप, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। मृत वनस्पति है वो जूलॉजी के अंदर नहीं आएगी, चौथा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जूलॉजी की बात की जा रही है केवल जानवरों की, जीवित और मृत दोनों की। ध्यान रखोगे आप, सी आंसर राइट है इसका। ये आपके आईएएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, 56वां। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एसाइड, अमोनिकल नाइट्रेट, नाइट्राइट। तो एमाइड के रूप में पाया जाता है, याद रखोगे एमाइड के रूप में। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? रट लो इसको, जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रोंशियम तथा बेरियम जो होता है, बेरियम से हरा रंग प्राप्त होता है और स्ट्रोंशियम से लाल रंग प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा जो आतिशबाजी होती है, फटाके छोड़े जाते हैं, उनमें रंग प्राप्त होता है? तो बेरियम के द्वारा हरा रंग प्राप्त होता है, और स्ट्रोंशियम के द्वारा कैसा रंग प्राप्त होता है? लाल रंग प्राप्त होता है। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबो कर किया जाता है? तो केरोसिन मिट्टी का जो तेल होता है उसके अंदर डुबाया जाता है, और जो सफेद फोस होती है उसको जल के अंदर डुबाया जाता है। तो ये हमारे 30% है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।